बल्कि इसको आपने मेरे घर भेजा था। नहीं, लेकिन वो आजकल मेरी बेटी के लिए रिश्ते देख रही है। ये झुमका तुम्हारी बेटी का है ना? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? बताओ ना, ये झुमका तुम्हारी बेटी का है ना? मगर ये आपके पास क्या कर रहे हैं? साहिर है, मैं तो तुम्हारे घर आज पहली दफा आई हूँ, और मैं तो ले जाने से रही, तो तुम्हारी बेटी मेरे घर आई होगी। किरण आपके घर? मैं तो सारा दिन घर में होती हूँ, अगर किरण मेरे घर आई होती तो मुझसे जरूर मिलती। लेकिन ये झुमका मेरे बेटे की गाड़ी से मिला है, और गाड़ी तो बाहर ही जाती है ना, और ऐसी आवारा लड़की है तो बाहर बाहर से ही लड़कों के साथ घूमने चली जाती है ना? ये आप क्या कह रही हैं बहन? एक तो मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और ना ही मैं तुमसे कोई रिश्तेदारी रखना चाहती हूँ। साफ लफ्जों में मैं बता रही हूँ, मैं अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करवाना चाहती हूँ। अपनी बेटी को रोको। ऐसा कुछ भी नहीं है रशीदा बेगम जैसा आप सोच रही हैं। फवाद और किरण तो बस, मैं इससे ज्यादा और कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हारी बेटी का झुमका मेरे बेटे की गाड़ी से मिला है, मेरे लिए ये तारुफ काफी है, और अपनी बेटी को नेक परवीन बनाकर मेरे सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। उसके लक्षण मैं पूरे मोहल्ले में खोल के रख दूंगी। किरण फोन उठाओ प्लीज। अरे अम्मा, कहाँ गई थी आप? काम से गई थी बेटा। किस काम से? अब तो मेरी सीआईडी करोगे? नहीं नहीं, वो आज आपको कहीं जाना था, याद है ना? कहाँ जाना था मुझे? पड़ोस में अम्मा, और कहाँ। अच्छा, तुम्हें ये भी पता था कि मुझे पड़ोस में जाना था? सब पता है मुझे। वो आज आपकी रिश्ते वाली बल्कि सांडी से मुलाकात हुई थी, और आज आपने किरण के घर जाना था। जाएंगी ना? तो फिर तुम ये भी जान लो कि वो लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी मेरे जीते जी। क्यों अम्मा, आखिर बुराई क्या उसमें? अगर उसमें कोई बुराई नहीं है तो कोई अच्छाई भी नहीं है। दो चार जमाते पढ़ लेने से कोई इंसान काबिल नहीं हो जाता। ऐसी आवारा लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। आवारा नहीं है वो, बहुत अच्छे घर की लड़की, और मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अभी मासूम हो, तुम वाकिफ नहीं हो। मैंने दुनिया देखी है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जिन घरों में मर्द कमाने वाले नहीं होते ना, उन औरतों का गुजर बसर कैसे होता है? क्या कह रही हैं आप? मैंने कह दिया, मेरे जीते जी वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। सुना तुमने? अम्मा मेरी बात तो सुने प्लीज। अम्मा, कोई बात नहीं छोटी बीबी, इतना बनना सवरना तो बनता है। तुम्हारी हजरत बीबी को ऐसा लगता है कि जैसे खूबसूरत चेहरा नेक नामी पे दाग है। लेकिन अभी तो आप घर पे हैं, अपने कमरे में हैं, यहां कौन है आपको देखने वाला? कुछ अरसा पहले तक दिल चाहता था कि कोई मेरी जानिब जी भर के देखे, लेकिन अब तो अपना चेहरा देखने का भी दिल नहीं करता। दिलनवाज, एक बात पूछूं? जी छोटी बीवी, पूछिए। दिलनवाज, तुम्हारा दिल नहीं करता कि कोई खूबसूरत सा शहजादा आए और तुम्हें ब्याह के अपने साथ ले जाए? नहीं छोटी बीबी, ये सब हमारी दुनिया में नहीं होता। क्यों, तुम्हारी दुनिया में शादियां नहीं होती क्या? जिसे आप लोग शादी कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ एक साथ रहकर गुजारा होता है, एक खास वक्त, एक खास मुद्दत तक, और इसका फैसला भी हमारे हाथों में नहीं होता। मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही दिलनवाज। रहने दें छोटी बीबी,
ये बातें आपको वैसे भी समझने आने वाली हैं। दिलनवाज बताओ ना, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? मोहब्बत? मोहब्बत होती क्या चीज है छोटी बीबी? हमारी दुनिया तो छोड़िए, तो आपकी दुनिया में भी कहीं नहीं। दिल सिर्फ तुम्हारे नाम में है दिलनवास, सीने में नहीं। रहने दो, तुम नहीं समझोगी। कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। मैंने सोचा कि अम्मा बेटी मिलके आज कमरे में ही खाना खाते हैं। भूख नहीं है मुझे। ऐसे कैसे भूख नहीं है, आपने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, बस खाना तो आपको पड़ेगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे सोने दो। अम्मी आप मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं? मैं तो सारी बात आपको सच सच बता दी थी, माफी भी मांग चुकी हूँ मैं आपसे। मैंने आपको बताया था कि मैं और फवाद एक बार रेस्टोरेंट गए थे, झुमका उसी दिन उसकी गाड़ी में गिरा होगा। अम्मी हाँ पता है, लेकिन एक बेटी की माँ होने का अजाब भी तो सहना पड़ेगा ना। आज उस औरत ने तुम्हें आवारा कहा, मेरी तरबियत पे कीचड़ उछाला, जैसे लगा जैसे किसी ने आज मेरी सारी जिंदगी की कमाई छीन ली हो मुझसे। आप तो जानती हैं ना अम्मी कि वो जो भी कह रही थी वो गलत था, क्यों परेशान हो रही है? मैं शर्मिंदा हूं बेटा तुमसे, मुझे माफ कर दो। मैं पूरी कोशिश करके भी तुम्हारी खुशी तुम्हें नहीं दे सकी। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आपने मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया ना, अब मेरी बारी है। मैं कभी भी ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती अम्मी, जहां कोई भी मेरी माँ से इस तरह से बात करे, क्योंकि मेरी माँ एक बहुत अजीम औरत है। इस दुनिया में कोई भी आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता, और मैं अपनी माँ की बहुत बहादुर बेटी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे इन छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता अम्मी। आप बिल्कीस खाला को बोल दें, उनको कहें कि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आए, और जहाँ आप मेरी शादी करेंगे ना, मैं वहीं शादी करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी माँ से ज्यादा बेहतर फैसला मेरे लिए और कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। खुदा के लिए फोन उठाओ किरण, अम्मा ने पता नहीं क्या कहा है, कैसे पता लगेगा मुझे? जब तक ये फोन नहीं उठाएगी कैसे पता लगेगा मुझे यार? किरण फोन उठाओ यार। नागन मेरे बच्चे के दिल में बैठ गई है फन फैलाकर, उसका तो मैं बंदोबस्त करके रहूंगी, कन्नौई की समझ में आ जाएगा।
उस बुड्ढे की टांग टूट गई उस हादसे में। शकीला बेगम बहुत खुश और मुतमईन है, कल आपका हदिया लेके आपके पास हाजिर हो जाएंगे। हाँ, और अपने घर की खबर? जहानारा कह रही थी रजिया बेगम घर बेच रही है। जी हजरत बीबी, रजिया बेगम ने अपना घर कोड़ियों के मोल बेचा। कुछ लोग आए थे उस घर को देखने के लिए, लेकिन वो ज्यादा देर वहां पे रह नहीं पाएंगे। इस बार फौरन मत निकालना, पहले लोगों को देख लेना, क्या पता हमारा कोई फायदा हो जाए। रजिया बेगम तो चवन्नी तक नहीं खर्च करती थी। आप कहें तो मैं उन लोगों का पता करके देखूं? कोई जल्दी नहीं है, आने दो उनको। अच्छा अब तुम जाओ, मेरे वजीफे का वक्त हो गया। चलो बेटा खाना खा लो। अबा कहाँ हैं? वो घर में होते तो खाना खाते ना। नया घर ले लिया उजलत में और उसकी सफाई सुथराई में लगे हुए। चलो तो मुंह हाथ धो लो और मैं खाना लगाती हूँ। आप खा रहे हैं, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आपने बताया नहीं कि क्या बात हुई थी किरण के घर पे आपकी? नहीं, मैं वहां शादी नहीं करूंगी तुम्हारी। आखिर उन लोगों में क्या बुराई है अम्मा? उसमें ये बुराई है कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है और बस। ये क्या बात हुई? और ये कोई बुराई नहीं है, उसकी माँ ने टीचिंग करके उसको पढ़ाया लिखाया, उसको पाला पोसा। ऐसे लोगों को तो इंसान इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये कहानी तुम्हें किरण ने सुनाई होगी, और दोनों माँ बेटियां जो करती हैं उसका तुम्हें पता है? क्या मतलब क्या करती हा? यानी आपका जो दिल करेगा, जिसके बारे में जो कुछ बोलना चाहती है बोल देंगी आप? अच्छा, अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है और तुम अपनी माँ को आंखें दिखा रहे हो। जिस दिन वो ब्याह कर आ गई, तुम तो अपनी माँ का हाथ पकड़ोगे और घर से बाहर निकाल दोगे। अम्मा मैं क्यों करूंगा ऐसा, क्यों करूंगा? आप मुझे बताएं, क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका है कि मैंने आपकी बात ना मानी हो, आपने कुछ कहा हो वो मैंने ना किया हो? अम्मा मैंने तो आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है, मैं आपसे हाथ कैसे छुड़ा सकता हूँ, आप मुझे बताएं। मेरे बच्चे, मेरी जान, तू मेरी बात मान लेना, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो। मारिया बहुत अच्छी बीवी साबित होगी बेटा। अम्मा प्लीज समझे, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, नहीं रह सकता उसके बगैर, प्लीज। और जो ख्वाब मैंने तुम्हारे लिए देखे हैं वो कुछ नहीं है, मेरी कोई पसंद नहीं है। देखो बेटा, जो माँ बाप के कहे में नहीं होता ना, वो जिंदगी में फलता फूलता नहीं है। ठीक है, यानी आपको अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अपने ख्वाब अजीज है। गुड, जैसे आपकी मर्जी है। तो क्या तुम मेरी बात मान रहे हो, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो? बिल्कुल मान रहा हूँ, नहीं कर रहा किरण से शादी, किरण का चैप्टर अब क्लोज। लेकिन अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा, बल्कि शादी करूंगा ही नहीं। ये क्या बात हुई, इकलौती औलाद हो तुम, अपने बाप की नस्ल खत्म करनी है तुमने? नस्ल खत्म होने की परवाह है आपको, जिंदगी खत्म होने की नहीं। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तुम ढेरों खुशियों जियो। अरे मुझे लगता है तुम्हारे अब्बू आ गए, चलो तुम भी हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, मैं देखती हूँ उन्हें जाके। क्या बात है किरण बेटा? कुछ नहीं अम्मी, तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। कुछ नहीं, पुराने कुछ मैसेजेस थे वो डिलीट कर रही हूँ।
हैरत की बात नहीं है, उसकी माँ इतना कुछ कह गई और उसने तुमसे सॉरी तक नहीं कहा। फोन कर रहा है बार बार, मैं खुद नहीं बात कर रही। हाँ तो करो बात, देखो आप क्या कह रहे हैं। क्या फायदा मम्मी, जिस घर जाना ही नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछे। बेटा किरण, अगर वो अपनी माँ को बना लेता है फिर तो क्या हो गया मम्मी आपको, क्यों ये बातें सोची जा रही है। देखो वही है क्या यार, मुझे कुछ मालूम नहीं है तुम्हारे घर क्या हुआ, लेकिन फिर भी I'm sorry, अब और क्या कहूँ मैं तुम्हें। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं लिखा, सो जाए हम और बेहतर होगा कि इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दिया जाए। प्लीज यार मेरा साथ देना, तुम तो समझ सकती हो ना मेरी कंडीशन। मैं अम्मा को मना लूंगा, आई प्रॉमिस, आज नहीं तो कल वो जरूर मान जाएंगी यार, जस्ट ट्रस्ट मी। आज घर जो है वो इंशाल्लाह ट्रांसफर हो जाएगा, 80 लाख रुपए ट्रांसफर करवाने हैं मुझे, वो खातून मुल्क से बाहर जा रही हैं। तो आपका काम तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। चलो ये तो बाद में देखेंगे ना। अरे नजमा आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या लाई हो? आज नियाज दी थी, महल्ले में बांटती हुई आ रही हूँ, अफशा के घर भी देती हुई आई हूँ। अच्छा, तुम्हारा उसके घर भी आना जाना है? आओ ना, आओ अंदर, आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। आ खाना कब आएगा? टाइम क्या हो रहा है? आ जाएगा यार, आ जाएगा। और बाबा टाइम क्यों पूछ रही हो? बता ना हुआ क्या अभी? टाइम नहीं हुआ, लो आ गया। सवाल 11 बजे का बोला था ना, इसलिए मैं खाना, ये खाना कुछ भी, हमारा दिल नहीं करता कि ये वक्त रुक जाए। नहीं क्यों भाई, क्योंकि अगर टाइम रुक गया तो फिर शादी के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा ना। वाह क्या कमाल की लॉजिक पेश किया आपने, और मैं कहता हूँ कितने सही टाइम पे किए। तुम्हारी नहीं क्यूट और स्टुपिड हरकतों में ना मैं मर मिटा हूँ, एक मिनट नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, एक मिनट। अच्छा बस दादा, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, समझे? मुझे इतने डायलॉग्स नहीं पसंद। अरे दिल से बोल रहा हूँ सच्ची, सारे मूड की ना बात, मुझे बहुत डर लगता है। क्यों मुझसे कभी दूर तो नहीं होगे ना? कभी नहीं। किरण तो बहुत नेक बच्ची है,
अरे ऐसी नेक बच्ची है, रात को लड़कों के साथ घूमने नहीं जाती हैं। वो तो मेरे बेटे के साथ गई तो मुझे पता चल गया। लेकिन जब तुमने झुमका उसके मुंह पर मारा तो अफशा ने क्या कहा? क्या बोलती? वो तो इतनी शर्मिंदा थी जैसे ठंडे पानी की बाल्टी उसके मुंह पे दे मारी हो। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी बेटी की चोरी पकड़ी जाएगी। लेकर तो तुम्हारा बेटा ही गया था ना, कसूर तो उसका ही है। बात सुनो नजमा, भले हमारी मुलाकात कम होती है लेकिन इस घर में हमें रहते हुए एक अरसा हो गया है। फवाद मेरा इसी घर में पैदा हुआ है और तुम लोग तो हमारे बाद आए हो। तुम लोगों को तो अभी 20 साल हुए और देखो तुम्हारे सामने मेरा बच्चा गली में खेलता था, उसे तुम अच्छी तरह जानती हो। इन लोगों को तो अभी आए हुए 1.5 साल हुआ है, पता नहीं कैसे लोग हैं। लेकिन फिर भी फवाद लड़का है और अक्सर लड़के ही लड़कियों को घर से बाहर मिलने के लिए वरगलाते हैं। देखो नजमा, तुम तो रात को घर से बाहर कम निकलती हो ना, मेरी तो घर की दीवार से दीवार मिली हुई है। अरे उनके घर में रात को 2-2 गाड़ियां आती हैं। अच्छा, तो क्या अब मैं कसम उठाऊं तभी तुम्हें यकीन आएगा? अम्मा। हाँ बेटा, तुम उठ गए? तुमने तो कहा था कि मैं दोपहर में उठूंगा सोकर, तुम्हारी नाइट ड्यूटी है। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। किसके बारे में बात कर रही थी माँ? अम्मा आप अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, ये बात समझ में आती है मुझे, लेकिन किसी की बेटी के बारे में इतनी फजूल बातें करने का कोई हक नहीं है आपको। हाँ तो मेरा भी तजुर्बा है, मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रही हूँ ना। तुम्हारी आंखों पे तो उन्होंने पट्टी बांधी है लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई अंधी नहीं हूँ। किरण और उसकी अम्मी नहायत शरीफ औरतें हैं। और आंटी आप अम्मी की इस तरह की बातों पे एक्स्ट्रा फोकस करना छोड़ दें प्लीज। अच्छा बहन, मुझे इजाजत दो, मैं चलती हूँ। प्लीज, खुदा हाफिज, आती जाती रहना। मेहमानों के सामने इस तरह बात करते अपनी माँ से? वो चिंडाल औरतें तुम्हें ये सिखा रही हैं? खुदा के लिए अपनी अकल से काम लो। वो औरतें तुम्हें मुझसे दूर कर रही है, मेरे खिलाफ कर रही है, क्यों नहीं तुम्हें समझ आ रही है? हाँ एजाज, हाँ हाँ निकलवा लिए पैसे यार, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। भाई आओगे तो जाएंगे ना? अच्छा वहीं पे हो, चलो ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ फौरन आ रहा हूँ। ओके 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 ओके। अरे उनके घर में रात को 2-2 गाड़ियां आती हैं। बेटा कुछ भूल गए हो? कहाँ चली गई हैं आप? सारी किताबें तो आप यहाँ छोड़ के गई हैं। आ जा। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या कहा है अम्मा ने, बताओ मुझे प्लीज। अभी
और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। पहले मेरी बात का जवाब दो, अम्मा ने क्या कहा है तुम्हारे घर आके? रिश्ते से साफ इनकार करके गई है वो। बस या कुछ और? तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है। बस या कुछ और? जो जो कहे साफ साफ बताओ प्लीज। वो आई, उन्होंने चाय पी और रिश्ते से माजरत करी, कहा कि तुम्हारे लिए अपनी बहन की बेटी पसंद कर रखी उन्होंने। झूठ बोल रही हो तुम। मैं अपनी माँ को अच्छे तरीके से जानता हूँ, उन्होंने जरूर कोई गलत बात की होगी, इसलिए तुम्हें फोन करा था ताकि माफी मांग सकूं यार। हाँ तो क्यों कर रहे हो तुम मुझे फोन, जब तुम्हारी अम्मा मना करके जा चुकी है तो क्यों मुझे फोन कर रहे हो तुम? कैसे बात करी मुझसे यार? ऐसे ही बात करती हूँ मैं। रोज इतनी सारी बातें की थी मुझसे, कहा था कि कुछ भी हो जाए साथ दोगी मेरा। वो जान से कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे देखो मेरी आंखों में। किरण ये वहां सब ऐसे ही चलता है, दुनिया कभी भी दो मोहब्बत करने वालों को खुश नहीं देख सकती। हाँ तो तुम्हारी अम्मी को तो खुशी से जीने दे सकते हैं ना। क्या बात कर रही हो यार, तुम अपनी बात करो। तुम्हारी अम्मी जान मैं बना लूंगा उन्हें यार, मैं कर लूंगा, ट्रस्ट मी प्लीज किरण प्लीज। क्या हो रहा है ये? अम्मी आंटी इसमें किरण का कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं है। मैं अम्मा ने जो कुछ भी कहा मैं सिर्फ उसकी, इनफैक्ट मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। छत से आने की क्या जरूरत, हमारे घर के दरवाजे भी हैं। तुम दोनों माँ बेटी मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? अरे नहीं करनी मुझे अपने बेटे की शादी, पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया है। सुनती नहीं है पत्नी अपने आप को, क्या समझती हो तुम दोनों? इतनी सी बात पर कोई घर छोड़ के थोड़ी जाता है। आप माने कि आपकी गलती है। मेरी कौन सी गलती है? मेरी बात मानो तो कम वक्तों से जान छुड़वाओ अपनी, मान लो मेरी बात। मान लेता मैं आपकी बात अगर आप किरण को बदनाम करने की मुहिम ना चलाती। अम्मा कितनी बुरी बात है ये, शर्मिंदा करके रख दिया उन लोगों के सामने आपने मुझे। तो क्यों शर्मिंदा होते हो, हमने कौन सी उनसे रिश्तेदारी जोड़नी है? ठीक है तो फिर माफी मांगे उनसे, सॉरी बोलेंगे उन्हें आप? मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने जब कुछ बोला ही नहीं है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि कितनी अच्छी लड़की है किरण, एक दफा नहीं उसने मुझे बोला कि आपने उसके घर जाके कितना शोर मचाया है। मैं तुम्हें बार बार कह चुकी हूँ मैंने कुछ नहीं कहा उसे जाके। अच्छा अभी आपने कुछ नहीं बोला, यानी जो आप इतना सब कुछ बोलती है गली में मोहल्ले में छत पे उनके घर में वो काफी नहीं है, है ना? सुनो अगर तूने ज्यादा बकवास की ना तेरे मुंह पे थप्पड़ मार के रख दूंगी। और कर भी क्या सकती है अम्मा। श्री तुझे मैंने इस दिन के लिए बड़ा किया था, जब तू बीमार होता था तो पूरी पूरी रात मैं जागती रहती थी और स्कूल के लिए सुबह 6 बजे उठकर तू ये तैयार करके छोड़ कर आती थी, और आज तू अपनी माँ को ये सिला दे रहा है? हाँ तो दे तो दिया है ना सिला, नहीं कर रहा किरण से शादी खुश। और एक बात और, अब मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा ताकि आपको भी एहसास हो इंसान जिससे मोहब्बत करता है जिससे प्यार करता है उसे दूर रखने की तकलीफ क्या होती है। बड़ी लड़की है किरण, मैंने क्या तकलीफ ला? अरे एक लड़की की खातिर तू अपनी माँ को छोड़ के जाएगा? फवाद, फवाद मेरी बात सुनो, फवाद मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो दोनों माँ बेटी के चंडाल है, छीन लिया मेरे बेटे को मुझसे। फवाद मेरी बात तो सुनो, फवाद फवाद। वाह
हाँ जी खालिद साहब, अल्लाह ताला ने आपको भी छप्पड़ फाड़ कर ही दिया, साहिबे हैसियत हो गए आप, साहिबे जायदाद। रशीदा को कितना अच्छा लगेगा ना। अरे कितनी उम्र है इसकी। हेलो हेलो खालिद। आ रशीदा। फवाद चला गया। क्या मतलब है, कहाँ चला गया है? पता नहीं, कह रहा था कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ गया होगा वो? कहाँ जा सकता है वो, इस पूरे शहर में एक हमीदा ही है जो हमारे रिश्तेदार है, तो अब जाहिर है उसके पास तो नहीं जाएगा, किसी सूरत उसके घर नहीं जाएगा। वो हॉस्पिटल गया होगा। तो ड्यूटी के बाद कहाँ जाएगा वो? अच्छा मैं उसके मोबाइल पे फोन करता हूँ। परेशान क्यों हो रही हो? करता हूँ रात को। हॉस्पिटल ही गया होगा, और कहाँ जाना है उसने? किरण बेटा, वो लड़का मुझे बहुत सच्चा लगा, सच्ची मोहब्बत करता है तुमसे। ये आप कह रही हैं अम्मी? तो तुम्हारी माँ हूँ, अब किसी के हाथ में भी तो तुम्हारा हाथ नहीं दे सकती ना। जाहिर है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हो, तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाए, उससे बेहतर कौन होगा तुम्हारे लिए? अम्मी बेटा, तुमने ही कहा था ना कि आप मेरे लिए बेस्ट फैसला करेंगे। क्या हो गया अम्मी आपको? आपने सुना नहीं था कितनी जोर जोर से चिल्ला रही थी वो चाहती थी कि ये बात सारा मोहल्ला सुन ले, और आप कह रहे कि मैं उस घर में शामिल। बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ फवाद की बात कह रही हूँ, फवाद के लिए, कि अगर वो किसी तरह से अपनी माँ को मना ले तो। आप स्कूल के लिए बहुत लेट हो रही। बेटा इस तरह के फैसले इतने जज्बाती होके तो नहीं किए जाते। अम्मी आप बिल्कीस खाला को बोल दें कि वो मेरा रिश्ता फाइनल कर दें, जहां मर्जी मेरी शादी करवा दें। फवाद से लेकिन मैं अब शादी नहीं करूंगी। अब प्लीज आइंदा इस टॉपिक पे मुझसे कोई बात ना करें। मुझे पता है तुम्हारी माँ ने सब कुछ किया होगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? तुम जानते तो हो उसकी आदत को यार। अच्छी बात है, वो मेरी आदत को भी जान जाएंगी। अच्छा तो क्या है, मैं अकेला घर नहीं जाऊंगा। 50 फोन किए उसने मुझे, मेरी नाक में दम कर देंगे। आप तो मेरी बात को समझे, आप तो मुझे समझे। आपको पता है सब मैंने क्यों किया, क्यों उसके करेक्टर के बारे में इतनी सारी बातें की मोहल्ले की औरतों पे? और मैं आपको बात साफ साफ बता दूंगा, मैं ये सब ना करता, अम्मा ने ठीक नहीं होना था, वो किसी बात की नहीं, किसी को भी नहीं समझती, किसी को कुछ नहीं समझता। बेटा तुम ऐसे करोगे तो वो समझ जाएगी, मतलब तुम ये सोच सकते हो कि उसको अकल आ जाएगी? मेरी फिक्र मत करें, यहाँ कहीं भी सो जाऊंगा। मतलब यहाँ कहाँ, हॉस्पिटल में सो जाऊंगा? जी डॉक्टर का ड्यूटी रूम, मतलब वहाँ सो जाऊंगा। का वास्ता? और अगर ड्यूटी रूम नहीं मिलेगा तो मैं किसी मरीज के बिस्तर पे सो जाऊंगा प्लीज, लेकिन बेतुकी बात, घर नहीं जाऊंगा, बस मैंने कह दिया। बिल्कुल बेतुकी बात है, क्या मतलब घर के होते हुए घर। अच्छा सुनो सुनो, एक आइडिया है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम जी।
ये भाई साहब किधर पड़ेगा घर? नहीं मुझे नहीं मालूम। अरे 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 भाई साहब हेलो, एक्सक्यूज मी, बात तो सुने मेरी भाईजान। सीन लग रहा है, फानूस शानूस भी है।